ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा विचित्र मंत्र जो कि आपके पति को, आपके प्यार को आपसे मिलाने में एक सार्थक मंत्र साबित हो सकता है। इस विधि को लाखों वर्षों से गोपनीय रखा गया है, आम जनता से छुपाया गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, क्योंकि कुबुद्धि यदि इसको प्राप्त कर लेगा तो वो इसका दुरुपयोग कदाचित कर सकता है। लेकिन जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सोचता हूँ कि वो सारे के सारे सद्बुद्धि को प्राप्त हैं, प्रभु की कृपा उन पर है और आप कभी भी किसी का भी अनिष्ट करने के लिए मेरे मंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी आशा में आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि किसी को भी आपके अनुकूल कर देगा, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी इस मंत्र के बाद बस आप ही के नाम की माला जपेगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। अभी जो है कुछ दिनों में माँ भगवती जो है इस धरा पर विचरण करेंगे, उनके नवरात्रे आ रहे हैं, तो उस दिवस में आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। त्रिकाल संध्या आपको श्री शुक्त का पाठ करना है। त्रिकाल संध्या जिसको नहीं पता हो उसको मैं बता दूं कि सुबह जब सूरज निकलने वाला हो, निकला ना हो, सूरज निकलने से पहले उस समय पर आपको माँ भगवती को, उनकी मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें भोग लगाना है, उनकी पूजा आरती करनी है। तो इस तरह से आपको माँ भगवती को पूरे 9 दिन रिझाना है, उनसे अपनी जो आपकी बात है वो बतानी है। त्रिकाल संध्या का 3 समय मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले जो प्रभात का बेला होता है उस समय आप ये कर सकते हैं। सूरज की जब पहली किरण पड़ने वाली हो उस समय पर आप ये अपनी प्रार्थना माँ भगवती को कह रहे हों। दूसरा पहर होगा दोपहर। जब दोपहर को 12 बजे 12 से 12:30 के बीच में आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको 12 बजे शुरू कर देना है। 12 बजे आपको श्री शुक्त का पाठ शुरू कर देना है और जितना अधिक आप कर सके उतना करना है, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना भी हो सके, चाहे 1 पाठ भी काफ़ी होगा। उसके बाद जो है तीसरा पहर आएगा, वो पहर है जब सूरज ढलने वाला हो, एक लालिमा सी जो होती है ना आकाश में, तो जब सुबह होती है तब पोर्टल्स खुलते हैं और जब शाम होती है तो वो पोर्टल्स बंद होने वाले होते हैं। तो यूँ समझिए ये कुछ ऐसा है जैसे कि कुछ दरवाजे हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उनका समय होता है। सुबह का जो समय है वो उनके खुलने का है, तो उस समय पर यदि आप अपनी कोई भी इच्छा माँ भगवती को कहते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। और जब वो दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, जब संध्या काल होता है, तो उस समय पर ये पोर्टल्स दूसरी दुनिया के खुलने बंद होने वाले होते हैं। तो उस समय पर भी जो भी आप प्रे करेंगे, जो भी आप माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र माता को प्राप्त होती है और वो आपकी जो पुकार है वो अवश्य सुनेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि तरह तरह के तंत्र कराते हैं, मंत्र कराते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। तो उनको मैं बताता हूँ कि आप त्रिकाल संध्या ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, इससे माँ भगवती की कृपा पर हो जाएगी और आपके भंडार भर जाएंगे। ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, कोई ग्लानि हो, कोई किसी भी तरह का कोई आपने कुकर्म किया हो, सबका ये नाश करके आपको सद्बुद्धि देगा और पैसों से आपको मालामाल कर देगा। माँ भगवती का ये श्री शुक्त जो है ये उनको आपके वंश में, आपके कुल में स्थापित करने के लिए होता है। आप इसमें प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आइए मेरे कुल में वास कीजिए और इस दरिद्रता को, इस रोगी काया को निरोगी कीजिए और जो भी कुबुद्धि हो रखी है, किसी भी तरह का विकार है मेरे भीतर, उसको दूर कर दीजिए। और इस सुक्त से आपको एक ऐसा भाग्य उदय मिलता है जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो कि जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी वहाँ पर भी इसने चमत्कार किए हैं।
लेकिन बात आती है कि आप इस सूक्त को किस तरह से पढ़ते हैं। होता यह है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही हताश होते हैं, और उसमें अगर मैं उनको ऐसे प्रयोग देता हूँ तो वो अपना पूरा जो है उसमें बलिदान दे नहीं पाते। और इस समय पर आपको चाहिए होता है कि सिर्फ एक इस सूक्त को सर्वस्व मानकर इस पर अपना पूरा ध्यान दें, सब कुछ भूलकर बस इसी पर ध्यान दें, तो ये चमत्कार करता है, रातों रात चमत्कार होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, सर दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, कुछ हो नहीं रहा, जल्दी करो। तो जल्दी में कुछ नहीं होता है, आपको इस सूक्त पर पूरा विश्वास करके बस तीन बार मेरे कहने से त्रिकाल संध्या इसको पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना ना आए तो आपको MP3 मिल जाएगी, उस MP3 से आप बस उसको सुन लीजिए। सुनने मात्र से भी चमत्कार होते हैं, तो ये सोचिए कितना पावरफुल होगा। अगर आप इसको सिर्फ सुनते हैं तो भी ये आपके लिए काम करेगा। बहुत से रिसर्च हुए हैं और उनमें ये पाया गया है कि संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, जो स्तोत्र होते हैं, उनको सुनने से भी आपको अत्यधिक लाभ होते हैं। आपका जो बल है वो बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है सिर्फ सुनने से। तो ये जो सूक्त हैं इनको सुनने से नाना प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। और इसको त्रिकाल संध्या अगर कोई कर ले तो उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए, वो जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन हर किसी के लिए ये काम नहीं करेगा। अगर आप कल मेरे पास आओ कि मेरे लिए काम नहीं किया, तो हाँ आपके लिए काम नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके लिए काम करेगा जो कि अपना सब कुछ भूलकर इस पर अपना पूरा ध्यान लगा देगा। अब पूरा ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऑफिस ना जाएं, अपना काम ना करें, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो समय आए, जो समय मैंने आपको बताया है, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या, ये पहर ऐसे होते हैं जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं। इस समय पर किया गया कोई भी कार्य आपको सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बस पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप ये कीजिए तो आपका जो भाग्योदय है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आप इस श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी को पढ़ना ना आए तो वो सुन सकता है, किसी से पूछ सकता है कि इसका पाठ कैसे करें, और उसके बाद माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। और जहाँ माँ भगवती आ जाएँ उस घर में किसी भी तरह का कलेश, किसी भी तरह का विकार रह ही नहीं सकता। तो श्री सूक्त आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी PDF का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप sirstop.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको श्री सूक्त का MP3 मिल जाएगी। तो उसको सुनिएगा और आपके जितने भी विकार हैं, जितनी भी व्याधियाँ हैं, उन सबको दूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए और आप समझ ना पा रहे हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं WhatsApp पे 9982416625 पर। जय माता की। धन्यवाद।